नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में प्रीति नेगी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत 100 शहर 100 खबर के साथ। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर। टीम में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार के अलावा आयोग के अन्य अधिकारी शामिल। टीम सभी जिले के डीएमएसपी और एसएसपी के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। कल कई जिलों के अधिकारियों के साथ बैठकर चुनाव तैयारी की समीक्षा करेगी। रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर वैशालीगढ़ पहुंचा। लोगों ने रघुवंश प्रसाद अमर रहे के नारे लगाए। लोगों ने रघुवंश प्रसाद की आखिरी इच्छा पूरी हो के भी नारे लगाए। रघुवंश बाबू के आखिरी दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे। पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला ने फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए सैकड़ों की भीड़ जुट गई। रघुवंश प्रसाद सिंह की आखिरी चिट्ठी को लेकर आरजेडी ने बड़ा आरोप लगाया। विधायक भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाया कि आईसीयू में वेंटिलेटर पर लेटा शख्स चिट्ठी कैसे लिख सकता है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार शव पर सियासत कर रहे हैं। आरजेडी नेता ने दावा किया है कि रघुवंश बाबू कभी नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते थे। आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि एनडीए के लोग कितने भी दावे कर ले, बिहार समस्याओं से ग्रसित प्रदेश बन गया है। कटिहार पहुंचकर देवेंद्र फडणवीस ने कंगना रनावत पर बड़ा बयान दिया। कहा, हमें चुनाव के लिए किसी स्टार की जरूरत नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने समर्थन किया। कहा, आरजेडी कांग्रेस के ऊपर जनता का विश्वास नहीं है। कहा, किसी की विश्वसनीयता है तो वो पीएम मोदी और सुशील मोदी। जिले के कटघरवा में गंडक नदी का कटाव जारी है। सरकारी स्कूल का शौचालय नदी में समा गया। खगड़िया के भैंसड़ी गांव में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बांका जिले के कटोरिया देवघर मुख्य मार्ग के कटोरिया बाजार के दादी बगीचा के पास बारिश का पानी की निकासी नहीं होने से सड़क जर्जर हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते छोटे वाहनों को भी सड़क पार करना मुश्किल हो रहा है। भागलपुर में कोरोना को लेकर पिछले कई महीनों से सभी स्कूल बंद होने के बावजूद प्राइवेट स्कूल लगातार अभिभावकों से फीस की मांग कर रहे हैं। बाईपास थाना क्षेत्र के अलीगंज के पास अभिभावकों ने सड़क को जाम कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। अररिया में एक शादीशुदा शिक्षक लड़की को भगाने की नीयत से गांव पहुंचा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर उसकी रात भर जमकर पिटाई की। इससे पहले भी लड़की घर से गायब हो चुकी है। 12 जुलाई को लड़की के पिता ने नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने लड़की को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया था। वैशाली के NH-22 पर हाथ में पिस्टल लहराता युवक लोगों के हाथ चढ़ गया। पुलिस ने फायरिंग करने के बाद भाग रहे युवक को ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ लिया। सीवान के हरिकेशपुर गांव में अपराधियों ने 2 लोगों को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायलों में से एक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरे शख्स को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोहतास नगर थाना क्षेत्र के दलेलगंज में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रेणु देवी के रूप में हुई है। पटना सिटी के मछुआ टोली इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर पेट्रोल पंप लूट कांड का आरोपी आनंद महतो को गिरफ्तार किया। बगा में रत्नमाला गांव की महिला कार्यपालक सहायक और उनकी बहनों से छेड़छाड़ का मामला। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई। मोतिहारी के केसरिया से आरजेडी विधायक ने पक्की सड़क का शिलान्यास किया था। कुछ लोगों ने शिलान्यास का शिलापट तोड़ दिया और विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मसौड़ी के बड़ी मील के समीप एक मिठाई की दुकान में चोरों ने अपनी करामत दिखाई। छत के रास्ते घुसकर दुकान में रखा नगद चोरी कर लिया और दुकान में रखी मिठाई भी लेकर चलते बने। औरंगाबाद में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में स्प्रिट, पैकिंग मशीन, रैपर, निर्मित देसी शराब के साथ फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार। जमुई जिले के ठाड़ी पंचायत में सैकड़ों महिला पुरुषों ने हंगामा किया और चकाई मोड़ को जाम कर दिया। ग्रामीण पीडीएस दुकानदार की ओर से सही तरीके से राशन नहीं दिए जाने से नाराज है गुस्साए ग्रामीणों ने एमओ कार्यालय का भी घेराव किया। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन की ओर से 20 सूत्री मांग को बुलाई गई अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर जहानाबाद में भी देखा जा रहा है। जहानाबाद में ट्रकों का परिचालन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। चक्का जाम को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। कैमूर जिला ट्रक एसोसिएशन ने अपनी 20 सूत्री मांग को लेकर हंगामे के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और NH-2 को जाम कर दिया। भोजपुर में अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर
जिले में ट्रक मालिकों ने अपने अपने ट्रकों को सड़कों पर खड़ा कर दिया। ट्रक की हड़ताल से आरा डोरीगंज फोर लेन पर लंबा कतार लग गया। किसी प्रशासनिक अधिकारी को मौके पर नहीं देखा गया। बेसूत्री मांगों को लेकर बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का समस्तीपुर में भी व्यापक असर दिखा। चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। छपरा जिले के तरैया पानापुर में सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। विरोध में गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। मधुबनी में ट्रक और सुमो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लखीसराय में रफ्तार के कहर ने एक व्यक्ति की जान ले ली। बाइक सवार ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। रांची में टेरर फंडिंग के आरोपी मनोज यादव और प्रदीप राम को हाईकोर्ट से झटका। झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज की जमानत याचिका। मनोज कुमार पर कंस्ट्रक्शन फर्म और माओवादियों के बीच मध्यस्थता करने का आरोप है। मनोज कुमार की गिरफ्तारी 6 लाख रुपए और अन्य दस्तावेजों के साथ हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 3 दिवसीय दौरे में दुमका पहुंच रहे हैं। सीएम के इस दौरे को चुनाव के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। नक्सल प्रभावित 12 जिलों में तैनात सहायक पुलिसकर्मी रांची के मोरहाबादी मैदान में दूसरे दिन भी एकजुटता के साथ डटे हुए हैं। गुमला थाना क्षेत्र के तेसरा गांव के पास पीएलएफआई के नक्सली संदीप तिर्की के ग्रामीणों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। संदीप तिर्की कई मामलों में जेल जा चुका था। कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया था और इन दिनों हथियारों के बल पर लेवी मांगने का काम कर रहा था। इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। चतरा सदर थाना क्षेत्र के डुहरा गांव में बहू पर ससुर की हत्या का आरोप लगा है। घर पर ससुर और बहू ही रह रहे थे और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। चतरा के सदर प्रखंड के भरेनी पंचायत में संचालित योजना का जियो टैगिंग करने गए रोजगार सेवक राजेश शर्मा पर एक बिचौलियों ने जानलेवा हमला कर दिया। रोजगार सेवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से आक्रोशित मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले पंचायत सेवक, जन सेवक, बीपीओ, रोजगार सेवक आदि ने प्रखंड कार्यालय में सभागार में बैठक की जिसमें आरोपी साबिर अंसारी की गिरफ्तारी की मांग की। पाकुड़ के चांदपुर पंचायत के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं की गोद भराई और बच्चों की मुंह जूठी का कार्यक्रम किया गया। धनबाद में बागमारा विधायक डुल्लू महतो के करीबी राजेश गुप्ता के घर पर कुछ लोगों ने फायरिंग की। दहशत फैलाने के लिए घर के बाहर 2 राउंड फायरिंग की गई। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कतरास पुलिस जांच में जुटी हुई है। धनबाद में मछली कारोबारी से बंदूक की नोक पर लाखों की लूट हुई है। मछली व्यवसाय बबलू खटी की गदी में 3 अपराधी घुस गए। मछली कारोबारी विपिन से 2 लाख की रकम लूटी गई है। सभी आरोपी नकाबपोश थे और हाथों में बंदूक था। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के बौधाडी गांव में 14 वर्षीय अनिकेत कुमार की तालाब में डूबने से मौत हो गई। आनन फानन में कुंदा उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। पाकुड़ में एक व्यक्ति ने जमीन का मुआवजे को लेकर कोयला ढुलाई को ठप कर दिया है। मामला अंपड़ापाड़ा थाना के पीपीएल मोड़ के निकट हुआ है। ढुलाई ठप होने से कोयला से लदे डंपर की लंबी कतार लगी हुई है। खूंटी में अस्पताल से इलाज कराने लाया गया कैदी फरार, आरोपी की तलाश जारी। हजारीबाग के शंखधारा नदी में एक युवक नदी की तेज धारा से लापता हो गया। स्नान करने के लिए नदी में गया था युवक। चाईबासा के चक्रधरपुर के नए एसडीओ ने पदभार संभालते ही एक्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने चक्रधरपुर में बाजार में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया और छापेमारी भी की। हजारीबाग जिले में शंखधारा नदी में बहे युवक का शव बरामद कर लिया गया है। करीब 22 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम ने शव को खोज निकाला। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वार्ड से फरार मरीज का शव अस्पताल परिसर की ही टंकी से बरामद किया गया है। 11 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। झारखंड में महिलाओं ने कोरोना माई की पूजा के बाद फौजी भौजी साड़ी जैसे नुस्खे आजमाए हैं। मंदिरों में पूजा कर महिलाएं अपनी भाभियों को साड़ी और श्रृंगार सामग्री भेज रही है। रामगढ़ के बरकाजारा में हाथियों का आतंक, हाथियों के झुंड ने हमला किया तो बाल बाल बचा परिवार। गुमला में भी हाथियों का तांडव। सिसई प्रखंड के थाना पूसो क्षेत्र में 2 जंगली हाथी घुस गए और जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने एक शख्स को कुचल दिया जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। बावजूद वन विभाग के अधिकारी बेसुध हैं जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। रांची के 2 लाख आबादी और 2 दिन से पानी नहीं मिल रहा है। लोग बाजार से पानी खरीद कर या तो पड़ोस से मांग कर काम चला रहे हैं।
बूटी जलागार से जुड़े रातू रोड मुख्य पाइपलाइन में शनिवार से ही पानी की आपूर्ति नहीं की गई है। 27 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे मन की बात। पीएम मोदी ने मन की बात के लिए लोगों से मांगे आइडिया। आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। पीएम बोले, हिंदी के विकास में योगदान दे रहे सभी भाषाविदों का हार्दिक अभिनंदन। तमिलनाडु विधानसभा में बैन नीट लिखा हुआ मास्क पहनकर पहुंचे डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन। सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण ने भरा जुर्माना, जुर्माना किया 1 रुपए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आईईडी किया बरामद, आईईडी को किया गया डिफ्यूज। एसजीपीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगोवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जम्मू कश्मीर भाषा बिल में पंजाबी को शामिल करने की अपील। नोएडा कमिश्नरेट में गाजियाबाद भी होगा शामिल, सीएम योगी ने कानपुर और वाराणसी को भी कमिश्नरेट बनाने की दी मंजूरी। ग्रेटर नोएडा के छपरौली गांव में जेपी नड्डा ने की बीजेपी के सेवा सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत, कहा पीएम मोदी ने राजनीति की संस्कृति को बदला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहतर स्वास्थ्य के लिए यूपी के सीतापुर में पूजा अर्चना, बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने कराई पूजा। बुलंदशहर में दूध व्यापारी से दिनदहाड़े लूट कर 2.25 लाख रुपए बदमाशों ने विरोध करने पर घायल किया। लखीमपुर खीरी में छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार एक आरोपी पुलिस कस्टडी से हुआ फरार। आगरा में जमीन बंटवारे को लेकर 3 भाइयों के बीच झड़प, 2 भाइयों ने मिलकर बड़े भाई को पीटा। कानपुर देहात में पुलिसकर्मियों से भिड़े ग्रामीण, जमीन विवाद को सुलझाने पहुंची थी पुलिस। रायबरेली में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर की बदसलूकी का वीडियो हुआ वायरल, बच्चे की मौत के बाद रो रहे परिजनों को धमकाया। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों का प्रदर्शन, स्कूल में क्लासेस फिर से शुरू करने की मांग। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, लुसियाना में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में वोट पैरेड का आयोजन। अर्जेंटीना में अल्बर्टो फर्नांडिस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका के ओरेगोन में जंगलों में लगी आग काबू, आग की चपेट में आने से बड़ी संख्या में घरों और गाड़ियों को हुआ काफी नुकसान। इसराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी, नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का आरोप। इसराइल में 3 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन फिर से लगाया जाएगा, सरकार ने कहा 18 सितंबर से जारी होगा प्रतिबंध, कोरोना से 1100 लोगों की मौत। एनजीटी ने सीपीसीबी को अमेजोन और फ्लिपकार्ट से जुर्माना वसूलने का दिया आदेश, दोनों कंपनियों पर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की, 1 साल से अधिक और 2 साल से कम की एफडी पर 4.90% ब्याज मिलेगा। नए नियम के साथ फ्लाइट में ले सकते हैं फोटो और वीडियो, डीजीसीए ने जारी की गाइडलाइंस। आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की व्हाट्सएप बैंकिंग की सुविधा, घर बैठे कर सकते हैं अकाउंट से जुड़े कई काम। स्टार्टअप को मिल सकती है बड़ी मदद, सरकार की लोन गारंटी और इस स्कीम को लाने की है जोरदार तैयारी। दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में श्रीशांत पर लगा 7 साल का बैन हुआ खत्म, कहा अब मैं आजाद हूं, घरेलू क्रिकेट में दोबारा लौट सकते हैं श्रीशांत। आईसीसी ने यूएई के 2 क्रिकेटर्स को मैच फिक्सिंग के आरोप में किया सस्पेंड, अक्टूबर में आईसीसी के T20 क्वालिफायर्स मैच में फिक्सिंग का आरोप। सेरेना विलियम्स ने चोट के कारण इटालियन ओपन से अपना नाम वापस लिया, बियांका ऑंड्रेस्कू ने भी टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया। एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने अपने टॉक शो में अभिनेता अभिषेक बच्चन को किया इनवाइट, ऑफर ठुकराते हुए बोले अभिषेक बच्चन बख्श दो मुझे। जलपरी बनी एक्ट्रेस सनी लियोनी, सोशल मीडिया पर सनी लियोनी ने अपनी हॉट तस्वीरों से मचाई धूम। आज 36 साल के हुए बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना, साल 2012 में विकी डोनर नाम की फिल्म से बॉलीवुड में आयुष्मान ने किया था डेब्यू। बिग बॉस 13 फेम एक्ट्रेस शहनाज गिल ने स्लिम अवतार में सोशल मीडिया पर फैलाई सनसनी, यूजर्स ने कटरीना से भी ज्यादा खूबसूरत बताया। सुशांत की याद में अंकिता लोखंडे ने घर पर लगाए पौधे, ट्विटर पर लिखा सुशांत के सपनों को पूरा करने की कोशिश।
पॉपुलर शो साथ निभाना साथी अपने सीजन 2 के साथ तैयार। देवोलीना संग नजर आएंगी हर्ष नागर और स्नेहा जैन की जोड़ी। और इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब बात कुछ और खबरों की करेंगे।